ये लीजिए आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ये चाय मेरी फूफो की है। क्यों भाई, इस चाय में ऐसी क्या खास बात है? हमारी चाय में नहीं। खास बात तो कोई नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीनी ज्यादा है, थोड़ी सी पत्ती ज्यादा है और मेरी माँ ही गुड़िया का बहुत सारा प्यार। ये तो बेईमानी है भाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप ही चाय? चाय? मूड नहीं है। अच्छा, अगर इनका मूड नहीं है तो फिर आपका भी नहीं होगा, है ना? हाँ, मोहब्बत का तकाजा तो यही कहता है, लेकिन आपको इनकार करके हम अपनी साली को नाराज भी तो नहीं कर सकते। भाई क्या बदतमीजी है, आप ही देखें इनको हर वक्त मजाक करते रहते हैं मुझसे। आपकी आप ही को अपने बनाव सिंघार से फुर्सत मिले तो हम पर नजर करम करें। आपको बुरा लग रहा है मेरा यूं सजना सवरना? तो ठीक है, मन कर देती हूँ। मैंने ऐसे कब कहा, हम तो मुंतजिर हैं राइशे हुस्न तकमील को पहुंचे तो हम सराहना शुरू करें। क्या मतलब है, मैं बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती। फोन डिजाइनर की कॉल। ड्रेस रेडी हो गया है? हाँ। अरे वाह, वो आप ही का ड्रेस रेडी हो गया है, आज रिसीविंग है ना इसीलिए फोन आया। आप किधर? जहाँ समझ वहाँ मैं। तुम मम्मी को संभालो। मैं कैसे संभालूँ? प्लीज। मम्मी? ओके जी, अल्लाह हाफिज। खफा होकर तो आप और भी प्यारी लगते हैं। प्यारी हूं तो हर हाल में प्यारी लगूंगी ना। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। हटो मेरे रास्ते से। मैं तुम्हारा रास्ता नहीं, तुम्हारी मंजिल हूं। तुम वाकई में लंदन से कोई बिजनेस की डिग्री लाए हो या फिर ये डायलॉग्स ही सीखे थे? फॉर गॉड से किया, मेरी फीलिंग्स को तुम डायलॉग का नाम देकर उनकी बेइज्जती तो ना करो, और इस बात की मैं तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दूँ। तुम मुझ पे हुक्म चला रहे हो? हाँ चला रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझ पर इसी तरह हुक्म चलाओ। तुम कहो समीर खान तुम मुझे देखते रहो तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी देखता रहूँ, कभी पलके ना झपको। तुम कहो समीर खान मेरी तारीफ करो तो मैं बोलता ही रहूं। तुम कहो समीर खान मुझसे, मैं कहूं समीर खान एकदम चुप। एकदम खामोश। हाँ खामोश तो होना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे यू माय प्रिंसेस। वो तो नहीं। इसे अकल पर पत्थर पड़ना ही कहते हैं समीर, इसके अलावा तो मुझे और कोई मिसाल नहीं सूझती। माही बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। तुम माही को चुनते ना तो मेरी खुशी हद से ज्यादा होती। अपने हुस्न पे नाजा औरतें जो होती हैं ना वो अच्छी बीवियां साबित नहीं होती। उसे खुद को सराहने से फुर्सत मिलेगी तो वो गर्दारी सीखेगी। उसका नखरा और खुदगर्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और एक वो माही है। फुफो जान कहते उस बच्ची का मुंह नहीं सूखता। मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है वो बच्ची। और समन के तो फरिश्तों को भी आज तक पता नहीं चला कि मैं आखिर चाहती क्या हूँ। इतनी सारी शिकायत, अभी तो वो आपकी बहू बनी भी नहीं है और आपको अभी से उससे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। वैसे तुम थोड़ा सा गौर कर देना, तुम्हारी भी किसी से कम नहीं थी। यार ये तो बहुत हसीन लग रहा है और कीमती भी है। जाहिर है असली डायमंड्स हैं बे, कोई नग थोड़ी है। वैसे ये तुम्हारी फूफो की चॉइस है या तुम्हारी?
ये सारी चॉइस समीर की है। इसका मतलब समीर की चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ, वो कभी किसी कमतर चीज पे हाथ ही नहीं रखता, इसीलिए तो सारी दुनिया की लड़कियां छोड़ के उसने मुझे चुना। वैसे एक बात है समन, समीर इंग्लैंड में रहा है, अपनी स्टडी भी वहीं की है और अब तो इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है। ये तो हो नहीं सकता कि उसे वहां कोई लड़की पसंद नहीं आई हो, एक से एक अच्छी होंगी। ये तुमने समीर की तारीफ करते करते मेरी इंसल्ट कर दी है। ओ हेलो, मेरा वो मतलब नहीं था। मिली होंगी उसे लड़कियां, बहुत मिली होंगी, लेकिन वो आके रुका समन के सामने। ये तो है, वैसे टीनेज के जमाने से मरता है मुझ पे। और तुम? ठीक है। हेलो हेलो हेलो, बगैर सहरे के कैसे आ गए आप अंदर? और आपको आने किसने दिया? सहरा तो मैंने सिलवाया ही नहीं। सहरा कौन सिलवाता है भाई? सहरा पानते हैं बेटा, और वो फूलों की लड़ियां से बनता है। छोड़ दे बुको, अभी तो शुरुआत है ना पापा? हाँ बेटा, दूल्हा बनने के बाद मर्द को कुछ भी बनने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दूल्हा बनना खुद एक बेवकूफी। रहने दे भाई, आप भी माही के साथ शामिल हो गए। तो मेरी बहन दुल्हन है, तो आप सबको मेरी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। और अगर आपका चश्मा ही उतार लूं तो? क्या बदतमीजी है समीर भाई। पापा हम भी तो देखें कि इस चश्मे में कितना क्लियर नजर आता है। मजाक उड़ा रहे ना मेरा? आप चाहते हैं कि मैं अपनी बहन की मंगनी धुंधली देखूं? ऐसा हो सकता है कि हम चाहें कि आपकी आंखों में धुंधला हो गया आपका मजाक? आ जाओ प्लीज, देखते हैं। ये क्या बात, हम दोनों को डिफरेंट सोफा पे बिठा दिया, ये कोई पार्लियामेंट का सेशन थोड़ी। लगता है जब से आप बाहर से पढ़ के आए ना, हमारे घर की सारी रिवायतें भूल गए। माही ये सब तुम्हारी चाल है। देखो मैं तो तुम्हें अपनी इतनी अच्छी दोस्त समझता हूँ, अपनी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह। जी मैं भी बिल्कुल ऐसे ही समझती थी, लेकिन जिस वक्त आपने मेरा चश्मा उतारा ना, उस वक्त हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। और फुपो आप इन्हें ये भी बता दें कि आप ही को अंगूठी आप पहनाएंगी और इनको पापा। क्या, आर यू सीरियस? भाई हमारे यहाँ तो रस्म ऐसी हो जाती है, माँ बाप अंगूठी पहना देते हैं। मामू आप मेरे बारे में भी तो सोचे ना, मंगनी मेरी हो रही है। अम्मी आप सुन रही हैं कि मामू क्या कह रहे हैं? आप प्लीज अपने भाई को समझाएं। मेरे ख्याल से माही बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, शरारत खत्म। ठीक है पापा, लेकिन आप इनसे कह दें कि मेरे चश्मे के साथ आइंदा मजाक करने की जरूरत नहीं है। यानी आप दोनों मिलकर मुझे Yes, बेवकूफ बना रहे। मैं अपनी समझ के पास बैठना चाहता हूँ।
बहुत प्यारी लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं? फिल्म का प्लान है और उसके बाद बस कुछ शॉपिंग। फिल्म? कौन सी फिल्म? कितना स्टूपिड सवाल किया है ना मैंने। अब जाहिर है समीर भाई आपको टर्मिनेटर 2 थोड़ी दिखाएंगे, कोई रोमांटिक मूवी देखने जा रहे हैं ना। डेजी के साथ जा रही हूँ मैं। डेजी के साथ जा रही है? लेकिन क्यों, अभी तो आपकी एंगेजमेंट हुई है, समीर भाई के साथ जाए ना। मंगनी होने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़ दूँ। अब मैं ये तो नहीं कह रही आपसे, लेकिन जो भी सुनेगा यही सोचेगा ना। किसी को इस बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट समीर भाई का तो सोचें, कितना हर्ट होंगे वो। तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरी मंगनी हो गई है तो अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ दूँ मैं, बस इस अंगूठी को देखूँ और खुश होती रहूँ। क्यों बदतमीजी कर रही हैं आप? बदतमीजी नहीं कर रही मैं, जब मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो मुझे यूं टोका मत करो तुम। माही ठीक कह रही है समन। और बाय द वे, तुमने जो लिबास पहन रखा है ये मुनासिब नहीं है। ठीक है कि समीर मुल्क से बाहर रहा है, लेकिन जहां तक आपा का ताल्लुक है मुझे पता है कि उन्हें वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद नहीं है। तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कोशिश करना कि इस होलिये में कम से कम उनके सामने मत आना। ऐसी माही की बच्ची ने मुझे टोक दिया, और पापा वो तो जैसे पहले से ही मौके की तलाश में थे। उन दोनों का क्या कसूर है? तुमने मंगनी करके झमेला पाल लिया तो और क्या करती? वो सब तो शादी पे जोर दे रहे थे, इतनी मुश्किल से मैंने एंगेजमेंट पे रोका है। दरअसल पापा की वही रवायती सोच है, बिन माँ की बच्चियाँ मेरी नज़रों के सामने रुखसत हो जाए। ओह गॉड, पापा को ये नहीं पता उनकी लाडली के कितने ऊंचे ख्वाब थे। थे क्या मतलब है डेज़ी? हैं, अभी भी हैं। यानी मॉडलिंग की दुनिया में भी तहलका मचा देने का इरादा कायम है? हाँ, इसमें कोई शक? तुम्हें शायद अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी नजर नहीं आ रही समन। ये अंगूठी? हाँ, मॉडलिंग के वक्त उतार दूंगी। अगर समीर को इसके बारे में पता चल गया तो? नंबर एक, जो मैं ठान लूँ वो मैं करके रहती हूँ। नंबर दो, समीर को मेरी खुशी में खुश होना आता है, वैसे भी उसे कौन बताएगा। वैसे बहुत लकी हो जो ऐसा चाहने वाला शख्स मिला है तुम्हें। हाँ। अच्छा तो बताओ, करूँ जमाल को फोन, पूछो पोर्टफोलियो के कब आना? हाँ जल्दी करो। समन। जी पापा। तुम्हारा इंतजार कर करके पप्पो वापस चले गए, और तुम अब घर वापस लौट रही हो। सेल भी ऑफ था तुम्हारा, क्यों? वो पापा बैटरी डेड हो गई थी। एनीवे, तुम अपने तौर तरीके चेंज करो, बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। और ये दोस्तों से मिलने की भी लिमिट्स होती है। पापा अब यूं घर पे बैठ के बोर होने से तो बेहतर है कि फ्रेंड्स के साथ जाऊं और कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर लूं। घर में कैसी बोरियत, ये माही भी तो है, बहन है तुम्हारी, इसी से कुछ सीखो। देखो कितनी डिसेंट और डिफरेंट है। डिफरेंट? डेफिनेटली डिसेंट। ओके, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा, समझाने की कोशिश करो। घरदारी सीखो, पप्पो के घर जाओगी तो सब कुछ तुम्हें संभालना होगा। ओके? उफ, पापा तो कोई 50s के वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले अब्बा नहीं होते, वैसी धमकियां देके चले गए। ठीक कह रहे हैं पापा,
शादी के बाद घर आपको ही संभालना है। ये पुराने जमाने वाली बातें मत किया करो। आजकल की औरत इस तरह नहीं सोचती। आप ही जमाना कितना भी बदल जाए ना, औरत नहीं बदलती। तुम ना अपने कद से बड़ी और अपने से बड़ी बातें मत किया करो। और आप अपने से छोटी बातें मत किया करें। आप जानती हैं कि पापा कितने शर्मिंदा हो रहे थे पप्पो के सामने? नहीं, आपको उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। तुम ही कुछ ख्याल कर लो मेरा। बाहर से आई हूँ, थकी हुई हूँ। आते साथ पापा ने मेरी क्लास कर लिया, बस तुम भी शुरू हो जाओ। समन, मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई है कि किसी दिन मैं तुम्हें कॉल करूं और तुम मुझे कहो कि मैं आपको ही याद कर रही थी। जो काम मैं करती नहीं हूं तो फिर मैं बोलूं क्यों? समन, मुझे तो लगता है कि ये मोहब्बत की जो ताली है ये सिर्फ मेरे हाथ से ही बजाई जा रही है। अगर ये ताली एक हाथ से बज रही होती ना तो बात फिर मंगनी तक ना पहुंचती समीर साहब। सो आप ये कहना चाह रही हैं कि आग दोनों तरफ बराबर लगी? मैंने तो जो कहना था कह दिया। अब इसका मतलब, इसका मायने आपको ढूंढे। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, फिर ढूंढते हैं ना मतलब दोनों मिलके। ओके। हाँ हो गया सोनू, तुम्हें अरे तुम यहाँ की बैठी? और ये कौन है? ये सोनू है। क्या हुआ इसको? ना खेल रही है ना कुछ खा रही है, नजर लग गई मेरी सोनू को। तुम ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। He's not feeling well. आप मुझे ले जाएंगे डॉक्टर के? मैं चले? Let's go. लेकिन इसकी बिल्ली का चेकअप ना करवा ले पहले। किसको? इस गंदी बिल्ली को? आप ही सोनू को गंदी बिल्ली कहने की कोई जरूरत नहीं है। और आप ही जाएं, मैं खुद चली जाऊं। अरे what's wrong with you? दिखा देते हैं ना उसकी बिल्ली को पहले। हमारे जाओ जाकर तैयार। अच्छा चलो गिव इट टू मी, आई विल टेक इट। आ जाओ लेट्स गो। तुम्हें अपनी बहन के साथ इतना बिहेव नहीं करना चाहिए था, बुरा लगता है। कोई बुरा नहीं लगता। हुलिया देखा तुमने उसका? तो क्या हो गया यार, छोटी है वो अभी, तुम्हें उसे ग्रूम करना चाहिए। I'm sorry, लेकिन मैंने किसी की इसलाह का ठेका नहीं लिया हुआ। वैसे भी बंदे को खुद सोचना चाहिए, अपने आसपास के माहौल को देख के कुछ सीखते हैं, लेकिन नहीं, उसे तो शौक ही नहीं है। इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ उसको अपने साथ रखा करो ताकि थोड़ा वो भी दुनिया के बारे में सीखे। हम यहाँ पे माही को डिस्कस करने आए हैं। पहले ही उसकी गंदी बिल्ली की वजह से इतना टाइम वेस्ट हो गया और अब तुम। इस वक्त तो जंगली बिल्ली मुझे तुम लग रही हो। तुम मुझ पे तनकीद कर रहे हो? अरे यार मजाक कर रहा था, क्या हो गया? मेरी इतनी जुरत कहाँ? अच्छा सॉरी, अपना सैंडविच खाओ। वैसे मेरी पिक्चर्स भी बहुत अमेजिंग आई हैं।
लेकिन तुमने तो समन कयामत मचा दी कयामत। वेल थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ कि अगला मरहला क्या होगा? बस आप प्रोजेक्ट्स के ढेर लग जाएंगे, लेकिन हमने बहुत सोच समझकर साइन करना है। और जमाल बता रहा था कि उसके पास कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। तुम नॉक करके नहीं अंदर आ सकती थी? तुम मैनेज नहीं है क्या? मैंने दरवाजा बजाया था जी। ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, जाओ बाहर। चलो बिल्कुल फ्रेश चेहरा है सर, एक बार स्क्रीन पे आ गया तो धड़ाधड़ बिकेगा। जिस प्रोडक्ट के लिए भी साइन किया धूम मच जाएगी। नई लड़की है सर, इतनी डिमांड भी नहीं करेगी भी, तो लॉन्च होने के लिए बस एक और लिस्ट। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी हरकत करोगी। हरकत मतलब? एक पोर्टफोलियो ही तो बनवाए, क्या गुनाह कर दिया मैंने? गुनाह ये है सब कि कमर्शियल्स मिलने की उम्मीद में तुम्हारी पिक्चर्स जगह-जगह बट रही। तो क्या हुआ? पापा मुझे शौक था, मैंने सोचा चलो एक एक्सपीरियंस कर लेती हूँ मैं। समझ, अगर तुम्हें शौक था तो तुम मुझसे कह देती, मैं किसी भी अच्छी एड एजेंसी से बात करके तुम्हें कोई बड़ी कैंपेन दिला देता। डू यू मीन रियलाइज कि वो प्रमोटर तुम्हारी तस्वीरें लेकर क्या क्या बकवास कर रहा था? समीर यूर ओवर रिएक्टिंग। खामोश। समन अब तुम एक लफ्ज नहीं बोलो। आपने अच्छा नहीं किया, तुम जब करो। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि जिस प्रोडक्ट को मैं तुम्हारे नाम से लॉन्च कर रहा हूँ उसके लिए तुम्हारा नाम इतना सामने आएगा। बस करो समीर, क्या हो गया ऐसा? क्या कयामत आ गई है कोई? बहुत बड़ा जुर्म कर दिया मैंने, कोई कत्ल कर दिया मैंने। कत्ल जैसा ही किया तुमने, एतमाद का खून कर दिया तुमने। तो ठीक है, किस बात का इंतजार है? दीजिए मुझे सजा, जो सजा है आपके दिल में दीजिए। सजा? एक जवान सरकश बेटी के सामने बूढ़े हाथों की सजा की क्या औकात हो सकती है? अब इसका फैसला समीर के हाथों। बेटा मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी का जुर्म काबिले माफी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो जिनसे मोहब्बत की जाए उनके जुर्म भी माफ कर दिए जाते। इसने तो फिर बेवकूफी की, मगर ये इस तरह की बेवकूफियां ना करे, इसलिए मैंने एक फैसला किया। तो फैसला? कैसा फैसला बेटा? सुना दो फैसला। जो शादी आज से 6 महीने बाद होनी थी वो अब इसी महीने होगी। कितना महान इंसान है ना समीर। और ये पापा को देखो, जो फैसला करेगा समीर करेगा। अरे ये होता कौन है कोई फैसला करने वाला? मंगेतर है वो, आपकी मोहब्बत करते हैं आपसे। मंगेतर है तो मंगेतर बन के रहे, खुदा ना बने वो। एक शौक पूरा करना चाहा था मैंने। और आप ही, आपके जो भी शौक है ना अब अपनी शादी के बाद ही पूरे कीजिएगा। मैं ऐसी किसी शादी के लिए रजामंद नहीं होंगी जैसे किसी बकरे को शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए। जाओ बता दो सबको। समन, तुम बचपन से ही एक जिद्दी और खुदगर्ज लड़की रही हो, जिद में आके खुद को नुकसान पहुंचाने वाली। लेकिन फकौर सिंह देखो, अब ये तुम्हारा बचपना नहीं है, इसलिए फजूल की मिसालें जो है ना अपने पास ही रखो। पापा आप मेरे शौक से जिद लगा रहे हैं। देखो बेटा,
तुम्हें तो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि समीर जैसा आला ज़र्फ लड़का तुम्हें मिला। बस अब मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी फजूल की बात ना सुनूं। जो शादी कल होनी थी वो आज हो जाए तो बेहतर है, और वैसे भी मैं तुम्हारी हट धर्मियों और नहीं सह सकता। पापा बस इनफ, फैसला हो चुका है। ओके शाम में तुम्हारी फुप्पो आ रही है, एंड प्लीज मेक श्योर कि उनके सामने तुम कोई ऐसी बात ना करना कि उन्हें शक हो जाए। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारे कारनामे का इल्म समीर ने उन्हें नहीं होने दिया। प्रोफेशन चाहे कोई भी और भी बुरा नहीं होता, लेकिन आपका तरीका भी तो ठीक नहीं था। चुप करके मेरे बाल बनाओ, मुझे फलसफा मत सिखाओ। फलसफा नहीं सिखा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, समीर भाई से मोहब्बत तो करती है ना? मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। जो शख्स मेरी राह में रुकावट बने उसकी मोहब्बत को मैं मानती नहीं। अगर आप उन्हें एक दफा भी बताती ना कि आपका शौक है, तो वो कोई ना कोई अच्छा सॉल्यूशन निकालते हैं इस बात का। फिलहाल तो वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं दुल्हा बनने का। तो आप भी तो दुल्हन बनेंगी ना? तो मत हंसा करो, जहर लगती हो तुम। और आप इतने गुस्से में प्यारी लग रही हैं। और ये दुपट्टा, दुपट्टा पहन के तो और प्यारी। क्या हरकतें करती रहती हो? पापा को क्या लगता है ये दो चार फिल्मी डायलॉग मार के मुझे प्रेशराइज कर लेंगे? क्या चाहती हैं अब आप? फिलहाल तो समीर के बच्चे का जीना हराम करते हैं, वरना मेरा नाम भी समन नहीं। लेकिन समीर भाई के बच्चे आपके बच्चे भी तो होंगे, और मेरा ख्याल नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ ही कर सकती हैं। कमरे से बाहर चलो। अरे चलो निकलो, चमकी कहेंगी। अच्छा ना जा रही हूँ। जरा से बुखार में ऐसे कौन दिल छोड़ता है? वैसे भी अब चलाओ का ही वक्त है। ऐसी कौन सी उम्र हो गई आपकी? पापा को तो शुगर और ब्लड प्रेशर ने ही तोड़ दिया है। अरे कुछ नहीं होता ब्लड प्रेशर और शुगर से। मैं तो समीर के वलीमे पर 7 तरह के मीठे बनवाऊंगी, किसी को परहेज करने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में ही समन का घर बस जाए। उसके बाद ये भी है माही, इसकी भी मुझे बहुत फिक्र है, बहुत ही अच्छी बच्ची। मामू जान ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माही हम सबकी जिम्मेदारी। कुछ भी नहीं होगा बेटा तुम्हारे पापा को, बस जरा सी कम हिम्मती का मजारा कर रहे हैं। और तुम तो वैसे भी मेरी गुड़िया हो ना। बस वो मैं इसी महीने के अंदर अंदर ना समन की रुख्सती कर देना चाहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल इधर आओ समन मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस लिबास में कितनी खूबसूरत और मुअद्दब लग रही हो। अच्छी लड़कियां सर झुकाकर खामोश खामोश अच्छी लगती है। पापा ने बीबी का नाम लेकर मना किया हुआ है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पागल हो तुम? जानते नहीं हो मुझे मैं कौन हूँ? रोज इस घर में आती हूँ मैं। बहादुर तुम होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेजी को अंदर आने से मना करने की? साहब ने बीबी का नाम लेकर मना किया हुआ है। चलो डेजी अंदर आओ। यार मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास तुम्हारी कोई कॉल कोई मैसेज नहीं आया। देखो तुम फोन चेक कर लो मेरा। नहीं तुम मेरा फोन चेक करो, देखो जरा। तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस ना देख रही तो मैं घर तक आई हूँ। उफ समन इतनी बड़ी ऑफर है तुम सोच भी नहीं सकती। और मजे की बात सुनो,
हम दोनों को साथ में मिल रही है, साथ होंगे कितना मजा आएगा। समन तुम खुश नहीं हो? कैसे खुश हूँ, मैं तो ये ऑफर कबूल ही नहीं कर सकती। क्या मतलब? मेरी शादी हो रही है। शादी? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो समन? ऐसे चांस तो किस्मत से मिलते हैं यार। सोचो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत इंसान खुद बनाता है समन। मेरी किस्मत मेरे हाथ में कहाँ है? पापा, समीर। तो तुम हाथ पे हाथ धर के बैठी रहोगी क्या? छीन लो यार, और शादी तो हो ही जाएगी ना। और देखो तुम्हारी कॉल अभी भी नहीं लग रही। समन, किसी ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया यार। ब्लॉक कर दिया? देखो। अच्छा, तो ये माही की हरकत है। उसने मुझसे बहाना बना के मेरा फोन लिया था और तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया। इस तो मैं देखती हूँ। पापा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपने डेजी का घर में दाखला मना कर दिया। देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Here I present your निकाह का दुपट्टा। उफ, बहुत प्यारा है ये। जरा मुझे पहन के दिखाए। तो इसे मेरे ऊपर से निकाह का दुपट्टा? क्या बदतमीजी है ये, ऐसे नहीं फेंकते निकाह का दुपट्टा। बदशगुनी होती है। बदशगुनी की बच्ची, तुमने डेजी का नंबर मेरे फोन पे ब्लॉक किया है ना। समन, तुम अब ज्यादती कर रही हो। देखो, मैं तुम्हारा बाप, हम सब तुम्हारे वेल विशर्स, और वो लड़की तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी, समझी तुम? आप लोग सब मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं। दुश्मनी? किस बात की दुश्मनी? समीर से शादी तुम्हारी पसंदीदी से हो रही है ना, तो कर लेती ना शादी। अब इसमें जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है पापा? What? जबरदस्ती? आज तक तो मैंने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन अब करूंगा। मेक श्योर कि वो लड़की आइंदा इस घर में नजर ना आए। ओके? वो लड़की मेरी दोस्त है और आप सबसे अच्छी है, क्योंकि एटलीस्ट वो मेरी ख्वाहिशात का एहतराम तो करती है ना। वो समन, आप लोग सब मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं। शट अप, गेट लॉस्ट, ले जाओ इसे यहां से। हाथ मत लगाओ तुम मुझे। Go! समन, फिल्म सोचो, फिल्म। कहाँ तो कमर्शियल, फिर ड्रामा, और तुम्हें पता है फिल्म करने में तो सालों लग जाते हैं, और तुम्हें तो पहले ही फिल्म मिल रही है। प्रोड्यूसर तो पिक्चर्स देखते ही पागल हो गया, एक मुलाकात के लिए तरस रहा है तुमसे। मैंने बताया शादी हो रही है तो उछल गया, कहने लगा इतनी प्यारी लड़की अपना फ्यूचर स्पॉइल कैसे कर सकती है। और वैसे भी 6 महीने की तो बात है, और तुम्हारा वो मंगेतर, वो तो तुम्हारे इश्क में पागल है। ये फिल्म कर लो, उसके बाद उससे माफी तलाफी कर लेना, और शादी के बाद औरत की जिंदगी क्या होती है, बस बच्चे पैदा करो और शाम को सज सवर के बैठ जाओ मियाँ जी को वेलकम करने के लिए। ये भी कोई जीना है क्या? तुम बचपन से ही एक जिद्दी और अरे भाई बेटा, बात सुनो, वो समन को लेकर आओ, मौली साहब आने वाले हैं। अभी लाई, जल्दी जाओ। शाबाश भाई, निकाह का इंतजार कर रहे हैं, आप अभी तक यहीं खड़े हुए हैं। Thank you.
पता है अपना शौक पूरा करने की खातिर तुमने अखबार पढ़ना भी छोड़ दिया, वरना उसमें छपा आकनामा जरूर पढ़ लेती। आकनामा?